इस लेक्चर में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें कि शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं। तो प्रीमियम पे इशू होने का मतलब क्या होता है और एंट्रियों पे क्या इफ़ेक्ट आता है वो हम इसमें समझेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, नायलोन कंपनी लिमिटेड हैज अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 20 लाख रुपीस है। अथोराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी की मैक्सिमम लिमिट, यानी कि ये कंपनी 20 लाख रुपीस तक के शेयर इशू कर सकती है। डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीस ईच। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो 20 लाख रुपीस की कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल है वो इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। और कितने इक्विटी शेयर और कितने रुपीस वाले, तो 2 लाख इक्विटी शेयर से 100 रुपीस का एक, 2 लाख इनटू 100 ये हो गए 20 लाख रुपए। इस ढंग से ये कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, ये इसको परमिशन है। दूसरा, ये कंपनी 2 लाख मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, वो भी 100 रुपए वाले। ये सब लिमिटेड लिमिट इसके ऊपर है कंपनी के पास। आगे लिखा है कि इट हैज एग्जिस्टिंग इशू एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। इसका मतलब कि इस ये कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशू, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है और वो सब्सक्राइब यानी कि पे हो चुके हैं। कितना अमाउंट? 3 लाख। कंपनी 20 लाख के शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम, और मैं 3 लाख तो ऑलरेडी कर चुकी है। इसका मतलब अब ये आगे 3 लाख कम कर पाएगी इशू। खैर, तो इस क्वेश्चन में तो हमको एंट्रियाँ जितने शेयर अभी सब्सक्राइब होंगे उतने से करनी है हमको, वो अभी आगे आएगा। आगे ही, इट फर्दर इशू टू पब्लिक 15,000 शेयर्स। अब कंपनी प्रेजेंट में अब 15,000 शेयर और इशू करना चाहती है। 20 लाख रुपए के शेयर यानी 2 लाख शेयर्स होते हैं, तो 2 लाख शेयर्स में से वो 3 लाख के शेयर्स यानी 3,000 शेयर ऑलरेडी इशू कर चुकी है। 2 लाख कर सकती है, 3,000 कर चुकी है, और फिलहाल वो 15,000 शेयर और इशू करना चाहती है। आगे क्या लिखा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मेन पॉइंट आ गया इस क्वेश्चन का, एट अ प्रीमियम ऑफ, जो 15,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक को ऑफर दे रही है, उसमें कंडीशन क्या डालिए, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब कि जो शेयर इशू हो गया होगा वो 20% प्रीमियम पर इशू होगा। कंपनी ने जो पब्लिक को ऑफर दिया है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो इस शर्त के साथ कि 100 रुपये वाला जो शेयर है, एक शेयर जो ओरिजिनली 100 रुपये का है, वो 20% प्रीमियम यानी 20% एक्स्ट्रा पर इशू होगा। बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो एंट्रियाँ होंगी इस पर इस सेंटेंस का बहुत इफेक्ट आएगा, इसलिए वापस समझा रहा हूँ कि सेंटेंस क्या है। इट फर्दर इशू टू पब्लिक, अब कंपनी और शेयर इशू करना चाहती है कि उसका ऑफर दिया है उसने पब्लिक को, कितने शेयर के लिए, तो 15,000 शेयर के लिए ऑफर दिया है। एक शर्त और साथ में जोड़ दी है, प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब पब्लिक को बोला है कि भाई हम आपको शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप सब्सक्रिप्शन में आपको 20% अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फॉर अ सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर, और जो कम पब्लिक जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको पेमेंट कैसे करना होगा, वो शर्त भी इसके अंदर डाली हुई है। तो क्या कंडीशन है वो देखें, ऑन अप्लीकेशन ₹30, अप्लीकेशन के साथ ₹30 पर शेयर देने पड़ेंगे जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ये कंपनी ने पब्लिक के सामने ऑफर में ये कंडीशन डाल दी है कि अप्लीकेशन पर ₹30 पर शेयर देना है, और लिए कितने जाने हैं, 100 + ₹20, ₹100 शेयर्स का और ₹20 प्रीमियम का, ₹120 टोटल लिया जाना है, उनमें 30 अप्लीकेशन पर हो ही गया। फिर आगे क्या लिखा है, ऑन अलाटमेंट ₹60, और ₹60 देने होंगे अलाटमेंट पर, ₹120 पर शेयर लेना है, उसमें ₹30 अप्लीकेशन पे ले रही कंपनी, अलॉटमेंट पर यानी दूसरी इंस्टॉलमेंट में ₹60 ले रही है। टोटल अभी तक के जो हो गया वो 30 + 60 मतलब ₹90 हो चुके हैं 120 में से। आगे क्या लिखा है, एंड ऑन कॉल, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है जिसको कॉल कहा जाता है, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कॉल पर लेना है, तीसरी बार में लेना है, तो कितना बचा, ₹120 लिया जाना है पर शेयर, 100 + 20, ₹100 ओरिजिनल अमाउंट शेयर का और 20% एक्स्ट्रा है, तो ₹20 एक्स्ट्रा लेना है। तो ₹120 में से ₹90 से पहले ले ही रहे हैं,
30+60, बाकी 30 रुपये बच गए, वो 30 रुपये कॉल पर लिए जाएंगे। तो इस ढंग से 3 बार में अमाउंट लेना है, कुल मिलाकर 3 बार में अमाउंट लेना है। आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कंपनी ने 15,000 शेयर के लिए शेयर इशू किए थे, पब्लिक को ऑफर दिया था। तो अब सेंटेंस द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पब्लिक ने पूरे के 15,000 के 15,000 शेयर ही के लिए सब्सक्राइब कर लिया है, यानी पूरे शेयर पब्लिक ने ले लिए हैं। एन अलाटमेंट वॉज मेड टू ऑल दी अप्लीकेंट, और पूरे शेयर भी कंपनी ने लोगों को दे दिए हैं। इन्वेस्टर ने पूरे 15,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब किया और कंपनी ने भी पूरे 15,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। आगे पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो अब एंट्रियाँ करनी है। तो इसमें 3 इंस्टॉलमेंट है, अप्लीकेशन पे 30 रुपया लिया जाना है, अलाटमेंट पर 60 रुपीज लिया जाना है, 90 हो गए, बचे हुए 30 रुपये कॉल पर लेना है। 3 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट पर 2 एंट्रियाँ होती है, 3 इंस्टॉलमेंट है मतलब 6 एंट्रीज होनी है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखें प्रॉब्लम नंबर है 4, कंपनी का नाम है नायलोन कंपनी लिमिटेड। तो शुरुआत जो होगी, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और पहली लाइन में जरूर लिखना चाहिए इन दी बुक्स ऑफ कंपनी का नाम नायलोन कंपनी, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो नाम जरूर लिख देना चाहिए। ये लिख दिया, तो पहले के जो बेसिक समझा रखे उसके हिसाब से सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, तो बैंक के थ्रू पैसा आता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, जो कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नरेशन हो गया। अच्छा, कितने शेयर के लिए इशू गया था 15,000 के लिए, यानी ऑफर 15 के लिए दिया था, और पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए थे 15,000 के 15,000, और एप्लीकेशन की रेट है 30 रुपया, तो 15,000 शेयर का पैसा आना है, 30 रुपीज़ की रेट है एप्लीकेशन पर, तो अमाउंट हो गया 4,50,000। आगे चलेंगे, अगली स्टेप पे आ रहे हैं हम। अब ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, अगली एंट्री में इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट हमने क्रेडिट किया था, ये यहाँ से निकाल कर इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ से पैसा उठाकर हम इसको ले जा रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री हो गई। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट आया था उसमें हमें जो एंट्री हुई थी उस पर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, जो अब हमने एप्लीकेशन में से पैसा उठाया कैपिटल में ले जा रहे हैं। तो अमाउंट कितना है, वही सेम अमाउंट जो पहले आया था, तो ये हमने सेम अमाउंट लिख दिया। तो इसके साथ ही एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट ख़त्म हुई। अब अगला आता है अलाटमेंट। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, अब अलाटमेंट पहले ड्यू करेंगे, जब एक अलाटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलाटमेंट मनी ड्यू, ये लिख दिया। अच्छा, अब इसमें है ना, अब हमको 100 रुपये की जगह 120 रुपये लेना है, एक नया कंसेप्ट प्रीमियम का जो है वो आ रहा है, अब वो समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमको 100 रुपये की जगह 120 रुपये लेना है, 20% प्रीमियम के लेना है एक्स्ट्रा। तो जो कंपनी 20% एक्स्ट्रा ले रही है, जिसको प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं, ये कंपनी के लिए इनकम है। तो ये इनकम है, तो ये इनकम क्रेडिट होगी, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट होगा। तो कहाँ पे क्रेडिट होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में इंक्लूड है ऐसा माना जाएगा।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये माना जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब जो प्रीमियम अमाउंट है, ये अलॉटमेंट में इंक्लूड है। अलॉटमेंट के टाइम पर ये पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा वाला। तो ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेगा, अलॉटमेंट के टाइम पर इस इनकम को भी क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, तो अगली बात ये कि जो प्रीमियम का जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो किस नाम से क्रेडिट होता है? तो क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से ये अमाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब कोई शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू होता है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है उसको प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। वो कंपनी के लिए इनकम है, वो इनकम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट होता है। अच्छा, ये अप्लीकेशन के टाइम पर क्रेडिट होगा कि अलाटमेंट के टाइम पे, कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे, यानी कौन सी इंस्टॉलमेंट के टाइम पर क्रेडिट होगा? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर अलाटमेंट के टाइम पर, अदरवाइज जिस भी इंस्टॉलमेंट में बोला है उस इंस्टॉलमेंट के ड्यू के टाइम पर ये अमाउंट प्रीमियम में क्रेडिट हो जाता है, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट। अब अमाउंट पर आते हैं तो देखें, 15,000 शेयर्स चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, अलाटमेंट की रेट 60 रुपीज़ है, तो अलाटमेंट में 15,000 शेयर का अमाउंट 60 रुपीज़ के रेट से आ गया। इसमें 20 रुपये तो एक प्रीमियम के हैं, अलाटमेंट में इंक्लूड है वो प्रीमियम, कोई क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है। तो अगर 60 रुपये पर शेयर रेट है उस पर 20 रुपये प्रीमियम के हैं, तो बाकी के 40 रुपीज़ जो बचे हैं वो कैपिटल मनी हो गई, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 40 रुपीज़ के रेट से पैसा आ जाएगा। 15,000 इंटू 40 ये कैपिटल में आ गया अमाउंट। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 इंटू 20 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ कैपिटल में डाल दिया हमने और 20 रुपीज़ प्रीमियम में डाल दिए, ये पूरे 60 रुपये क्रेडिट हो गए और 60 रुपीज़ हमने पहले डेबिट कर चुके हैं अलाटमेंट के नाम पर। अब अलाटमेंट रिसीव करेंगे, जब अलाटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलाटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंट तो अलाटमेंट कितने से हमने डेबिट किया था? 9 लाख से, तो पूरे 9 लाख ही मिलना है, तो ये 9 लाख रुपीज़ पूरा ये रिसीव कर लिया हमने, तो ये ख़त्म हुआ अलाटमेंट। अलाटमेंट पर अब तीसरी इंस्टॉलमेंट कॉल, तो ये पहला कॉल है और ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है। फिर से बोलो, एक नई चीज़ समझाने वाला हूँ, ध्यान दे के सुनना। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आ रहे हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट यानी कि कॉल। अब ये पहला कॉल है इसलिए इसको फर्स्ट कॉल बोला जाएगा, और ये फर्स्ट कॉल आखिरी, तीसरी इंस्टॉलमेंट आखिरी है, फर्स्ट कॉल आखिरी है, इसलिए ये फाइनल है, फाइनल है मतलब, इसलिए इसको, इस कॉल को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला जाएगा। तो तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो जैसे हमने अलाटमेंट ड्यू किया था वैसे ही अब हम शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलाटमेंट ड्यू किया था। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा अब, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन रहेगा वही सिंपल जैसे पहले लिखा था, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब अमाउंट पे आते हैं, तो 15,000 शेयर्स चल रहे हैं और फर्स्ट कॉल की रेट भी पहले बता दी थी कि वो 30 रुपया है, तो ये 4,50,000 रुपीज़ ये आ गया। तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद में अब रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट वही सेम जो ऊपर ड्यू किया था 4,50,000, ये 4,50,000 हमको रिसीव हो गया। तो इसके साथ में अपना क्वेश्चन ख़त्म हुआ। पर एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, पहले से टोटल लगा लेते हम, फिर आता हूँ रिक्वेस्ट पर।
ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अगर सीधे क्वेश्चन यही देख रहे हो आप तो बहुत कम समझ में आया होगा, बेटर है कि मेरे प्रीवियस सभी लेक्चर्स देखें और सभी लेक्चर ऑर्डर में देखते चलेंगे और जो भी चीज़ समझाई जा रही है उसको माइंड में रखते जाएंगे, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते जाएंगे बुक्स में से, किसी भी बुक्स में से कर लो तो अच्छा रहेगा, आगे के लेक्चर और जल्दी समझ में आएंगे। टी एस ग्रेवाल की बुक से कर सकते हैं, एस सी शर्मा की बुक से कर सकते हैं और जिस बुक से आपको करना है, तो अभी कोई सा भी बुक उठा ले तो उसके शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो समझ जाना, कोई ऐसा कोई वर्ड आता है तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया है, तो वो फिर छोड़ दिया करें। अगली बात ये बोल रहा हूँ कि टी एस ग्रेवाल में अगर देखें तो अभी तक के लेक्चर के हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक तो ट्राई कर ही सकते हैं अभी तक के हिसाब से, और एक दो लेक्चर के बाद में और आगे भी क्वेश्चन कर पाएंगे फिर आप। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।